आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 6 सिद्ध कीजिए कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई आपको प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम लिया है कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस का वाई। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है आपका कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू होता आपका कॉस ए प्लस बी। ये यहाँ पर फार्मूला होगा। देखिए यहाँ पर ए का मतलब है पूरा पाई बाई 4 माइनस एक्स, इस बी का मतलब है पाई बाई 4 माइनस का वाई। इस फार्मूले को लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस ए, ए मीन्स आपका है पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस बी, बी मीन्स पाई बाई 4 माइनस का वाई। अब देखिए यहाँ पर आ गया कॉस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 हो गया 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस माइनस यहाँ से कॉमन कर लेंगे माइनस कॉमन करेंगे हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब देखिए फार्मूला फिर बन गया है, फार्मूला बन गया है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। थीटा मतलब यहाँ पर है एक्स प्लस वाई। ये हो गया आपका लिख सकते हैं इसको साइन एक्स प्लस वाई लग गया फार्मूला कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये थीटा लग गया क्या आ गया है आर एच एस। ठीक नोट कर सकते हैं आप। आता है क्वेश्चन नंबर 7 में सिद्ध कीजिए tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो यहां पर है लेफ्ट हैंड साइड में लिया है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस का एक्स। यहां पर फार्मूला हो गया है tan a प्लस बी का फार्मूला होता है। यहां पर देखिए tan a प्लस बी इक्वल टू होता है टाइम ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टाइम ए इंटू टेन। ये किसका फॉर्मूला है टेन प्लस बी का। यहाँ पर टाइम ए माइनस बी का लगेगा तो अंतर क्या होगा टाइम ए माइनस बी बराबर टाइम ए हो जाएगा माइनस टेन बी अपॉन वन ये हो जाएगा प्लस टेन ए और यहाँ से टेन ये फार्मूला हो जाएगा टेन ए माइनस बी का। देखिए पहले फार्मूले लगाते हैं टेन ए प्लस बी का। तो टेन ए यानी कि टेन ए मीन्स पाई बाई 4 प्लस टेन बी मतलब टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स अपॉन। अब यहाँ पे टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला जाएगा तो इस फार्मूले में अंतर क्या आएगा यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या माइनस लगा है यहाँ पे प्लस हो जाएगा यानी कि फार्मूला बन जाएगा टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। अब हम वैल्यू रख देंगे टेन पाई बाई 4 वैल्यू 1 होती है
प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस वन इंटू टेन एक्स अपॉन हो जाएगा वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस वन इंटू टेन एक्स। आप टेन एक्स का वन मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन एक्स ही आपको मिलेगा, तो हो जाएगा वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। अब यहां से बटे ये लगा हुआ है, यहां से क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा, संख्या पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू ये प्लस ऊपर चला जाएगा वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए आ जाएगा वन प्लस टेन एक्स और वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो जो जो संख्या इधर लिखी वही संख्या ये दो बार है इसलिए होल स्क्वायर आपका आ जाएगा और ये आपका ये आर एच एस ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर एट में, सिद्ध कीजिए पाई प्लस कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स और कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स। देखिए यहाँ पर जो cos पाई बाई प्लस एक्स है ये जाएगा तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय में जाएगा cos पाई प्लस एक्स है तृतीय चतुर्थांश में जाएगा और तृतीय में cos होता है माइनस का, इसका जाएगा माइनस का cos x। cos माइनस एक्स की वैल्यू होती है cos x। इसी प्रकार sin पाई माइनस एक्स ये जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश में है और द्वितीय चतुर्थांश में साइन प्लस का होता है यानी कि साइन एक्स। अब साइन पाई बाई टू प्लस एक्स ये जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में और हम जानते हैं कि कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होगा, माइनस का साइन थीटा मतलब माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया तो ये आपका कॉट स्क्वायर एक्स ये क्या हो गया आर एच एस ठीक है। आज वीडियो बच्चों यहीं तक।